ओके, आवर टॉपिक इज रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम। क्या होता है रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम और इस चैप्टर में हमें क्या करना है, थोड़ा इसको बहुत क्लियरली देखिएगा। इससे पहले तो है एक चीज डिवीजन, हम दो पॉलिनॉमियल को कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, सपोज दैट एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, 2x³ - 7x² + 5x - 9। हमें इसे डिवाइड करना है एक दूसरे पॉलिनॉमियल 2x - 3 से। क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के दो तरीके हैं, एक डिवाइड जैसे आप अभी तक करते आए हुए हैं वो है ना, दूसरा डिवाइड करने का तरीका है हमने क्या किया, ऊपर वाला जो ये न्यूमरेटर है इसको फैक्टर कर लिया, इसके इसको फैक्टराइज कर लिया और जो फैक्टर इससे सेम हुआ उसको कैंसिल आउट कर दिया। तो पहले हम इसका जो फर्स्ट मेथड है ट्रेडिशनल मेथड, हम आपको वो सिखा दें कि आपको दो पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड करना है। तो देखिएगा जब कैसे डिवाइड करने जा रहा है, कॉपी लेकर के बैठ जाइएगा और सीखते चलिएगा साथ में, नहीं तो कर नहीं पाएंगे। फिर 2x - 3 ऐसे लिखा है, इसको ऐसे डिवाइड करने जा रहा है सिंपली। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब हमने इसे डिवाइड किया, ये यहाँ पे 2x³ है, यहाँ पे 2x है, हमें एग्जैक्टली यही बनाना है जो यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे आना चाहिए। यानी इस 2x में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि ये 2x³ हो जाए, इस 2x, वेरी गुड, x² का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो x² आया वो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, मतलब क्या हुआ, इस x² से हम पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आता है 2x³, -3 × x² करेंगे तो -3x² आ जाएगा। सही है, बस फिर यहाँ पे एक डिवाइड लाइन लगाएंगे, इसके सिंबल चेंज कर देंगे, ये प्लस का साइन है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये प्लस का है और अब ये माइनस का हो गया, दिस विल बी कैंसल्ड आउट। नाउ क्या बचेगा, 7 माइनस का प्लस का 3 है ना, तो बचा माइनस का 4x² -7x² + 3x² आंसर आया -4x² लिख दिया। अब ये बचता है 5x, लिख लिया हमने प्लस का 5x और ये -9। ठीक, अब फिर से क्वेश्चन वही हो गया, हम इस 2x में ऐसी कौन सी चीज से मल्टीप्लाई करें कि ये माइनस का 4x² बन जाए। ठीक है, -2x से अगर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस प्लस माइनस, 2 × 2 = 4, x × x, x² वेरी गुड। तो यहां पे लिखेंगे -2x लिख दिया हमने, -2x लिखते ही यहां पे आ गया -4x². अब इससे भी होगा माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 × 2 = 6x हो गया। हमने कहा था साइन चेंज कर देना, कर दिए हमने भाई, माइनस था प्लस कर दिया, ये कैंसिल्ड आउट हो गया, 5x है और -6x है, ये हो गया -x - 9। ठीक है, अब यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, या कर सकते थोड़ा बहुत कर सकते हैं, एक वर्किंग कर सकते हैं, हमें यहाँ 2x में क्या मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए माइनस का x। अगर हम माइनस का 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस प्लस माइनस, 2 × 2 कैंसिल हो जाएगा, -x बचेगा, है ना। तो -1/2 से हमने यहाँ पे इंटू कर दिया तो ये आ गया माइनस का x, माइनस माइनस हो गया +3/2, साइन चेंज कैंसिल्ड, -9 + 3/2 -9 - 3/2, तो -9 - 3/2 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 21/2 माइनस का, तो -21/2 ये आ गया। ठीक है, तो इस पूरे डिवीज़न में हमने देखा कि ये था डिवाइज़र, ये था डिविडेंड, ये था कोशेंट और ये है रिमाइंडर। ठीक है, तो इस लॉजिक को हमेशा याद रखिएगा। ठीक, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे रिमाइंडर नहीं आया, रिमाइंडर आया है और रिमाइंडर की वैल्यू है -21/2। अगर अब जो उसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं वो दूसरी चीज़ है, ये तो हमने सिर्फ डिवीजन आपको सिखाया, ये आपके मतलब की चीज़ थी, डिवाइड करने के लिए अक्सर पूछा जाएगा, डिवाइड करना आना चाहिए। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, रिमाइंडर थ्योरम क्या है। ठीक है,
अगर किसी पॉलिनॉमियल, जैसे कोई पॉलिनॉमियल था पी एक्स, अभी जैसे बीच में डिविडेंड लिया था ना, जिसको डिवाइड किया, मान ली वही है, उसको एक से डिवाइड करना है एक्स माइनस ए से, ठीक, डिवाइडेड बाय दिस, ऐसे जी, रिमाइंडर यहाँ कुछ आ जाए एफ एक्स, ठीक, रिमाइंडर आ जाए, ठीक। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है रिमाइंडर का, अगर रिमाइंडर आता है, अगर रिमाइंडर आता है तो कह सकते हैं दिस इज नॉट द फैक्टर ऑफ पी एक्स। कैसे? जैसे हमने डिवाइड किया है 3 से 8 को, समझाने के लिए 3 2 6 हुआ, रिमाइंडर बचा 2, ठीक। अगर रिमाइंडर आ गया, कुछ रिमाइंडर की कोई वैल्यू आ जाती है, देन वी कैन से ये जो 3 है ये इसका फैक्टर नहीं है, 3 इज नॉट फैक्टर ऑफ 8, ठीक ये। लेकिन अगर हम इसी को डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आ जाए, रिमाइंडर कैंसिल हो जाए, रिमाइंडर निल आ जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, देन वी कैन से क्या 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8। इसी तरीके से यहाँ पे इसी लॉजिक को, अगर रिमाइंडर आ रहा है देन दिस इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस, ये इसका फैक्टर नहीं है। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 हो जाए किसी केस में, रिमाइंडर ना आए, देन वी कैन से दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है ये इसका लॉजिक है। अब हमें थोड़ा समझाने के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर विदाउट डिविजन, विदाउट डिविजन, ठीक है। एक हमारे पास क्वेश्चन है एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू दे दी गई आपको 2x² - 7x - 1, इसको जो डिवाइड कर रहे हैं, जिससे डिविजर है इसका वो है x+3, ठीक, इससे इसको डिवाइड करना है, ठीक है। लेकिन डिवाइड बिना किए हमें रिमाइंडर बताना है, क्या बताना है, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर बताने का जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या करेंगे, ये जो है डिविजर, ये जो डिविजर है उसको पहले हम 0 के बराबर रखते हैं, क्या रखेंगे, 0 के बराबर, देखते हैं x+3 = 0, x = -3, एक्स की वैल्यू आ गई है, इस एक्स की वैल्यू को इस एफ एक्स में पुटअप करेंगे, पुट x = -3 इन एफ एक्स, 2x की जगह क्या रखेंगे, -3² - 7 - 3 - 1। याद रखिएगा डिविजर को हम 0 के बराबर इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दें तो जो कुछ आएगा वो रिमाइंडर आएगा, तो जो भी आएगा वो रिमाइंडर आएगा। देखते हैं जरा, -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 2 18, माइनस माइनस प्लस हो गया 21 - 1, ठीक है, 21 - 1 ये आ जाएगा 38, ठीक। तो रिमाइंडर कितना आया, 38, हमने इसको इससे डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा बेटा, 38, विदाउट डिविजन। जो भी हमने ये प्रोसेस किया है वो विदाउट डिविजन है, बिना डिवाइड किए हमने इसका रिमाइंडर फाइंड कर लिया। चलिए इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है, इसी को हम कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम, ये जो प्रोसेस हमने निकाला इसी को हम बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। क्या डिविजर को एक्स, डिविजर से एक्स की वैल्यू निकाल के पॉलिनोमियल में या डिविडेंड में पुटअप कर दें तो जो कुछ आएगा वो रिमाइंडर आता है, दिस इज द रिमाइंडर थ्योरम। यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग दिस बाई दिस, ठीक है, बहुत आसान है ये भी। अब आप इस तरह कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन और आपको कराते हैं, हमें रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना है और रिमाइंडर फाइंड करना, फाइंड द रिमाइंडर 3x² + 5x - 11 बाई डिवाइडिंग बाई 2x + 5। ये पॉलिनोमियल है, ये डिविजर है, इससे इसको डिवाइड करना है, ठीक है, और हमें रिमाइंडर बताना है
रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करते हुए, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जीरो के बराबर रखेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस फाइव अपॉन टू, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। अब ये जो फंक्शन था एफ एक्स, इसको लिखेंगे ऐसे, इस x की जगह, अब लिखने का थोड़ा तरीका समझ लीजिए, इस x की जगह लिखते हैं माइनस का फाइव बाई टू इज इक्वल टू, इस x की जगह हमने ये वैल्यू पुटअप कर दी, ठीक। तो थ्री यहाँ जहाँ पूरे में जहाँ x की जगह ये रखा तो पूरे लाइन में x की जगह यही हो जाएगा माइनस फाइव बाई टू स्क्वायर प्लस फाइव माइनस फाइव बाई टू माइनस इलेवन, ये आया। थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर लें, माइनस स्क्वायर हो गया प्लस, ठीक है, फाइव का स्क्वायर हो गया ट्वेंटी फाइव, टू का स्क्वायर फोर, प्लस माइनस माइनस फाइव फाइव या ट्वेंटी फाइव अपॉन टू माइनस इलेवन, ठीक है। इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा ये, एलसीएम लेना पड़ेगा हमें इसमें बाद में, ये आता है सेवेंटी फाइव बाई फोर माइनस ट्वेंटी फाइव बाई टू माइनस इलेवन, एलसीएम ले लेंगे फोर, सेवेंटी फाइव माइनस फिफ्टी माइनस फोर्टी फोर इज इक्वल टू माइनस नाइनटीन बाई फोर, यही हमारा आंसर। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें और माइनस फोर होल थ्री बाई फोर, ये हमारा रिमाइंडर आया, आ गया रिमाइंडर। तो इस प्रोसेस को कहते हैं बाई रिमाइंडर थ्योरम, हमने इसका रिमाइंडर निकाल लिया। इज दैट क्लियर? बोलो बेटा जल्दी से, रुद्राक्षी। हाँ सर। बेटा क्लियर है? हाँ सर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो रिमाइंडर थ्योरम आपको समझ में आ गई क्या है, और डिवाइड करना आ गया, दो चीज़ आपने सीखी अभी, एक तो डिवाइड करना, दूसरा रिमाइंडर फैक्ट, रिमाइंडर थ्योरम से हम बिना डिवाइड किए किसी चीज़ का रिमाइंडर कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन देते हैं, इसी का यूज़ करना है। कहा गया है व्हेन एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस फोर इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू द रिमाइंडर इज के, ठीक। इसके बाद कहते हैं द रिमाइंडर इज के, के इसका रिमाइंडर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड के, ठीक। व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस द रिमाइंडर इज के, ओके, ठीक है। तो बस हमें इसी का यूज करना है, रिमाइंडर थ्योरम लगा देते हैं इसमें, इससे इसको डिवाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स इसको जीरो के बराबर रखा होगा, एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, इट इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू टू, ऑन पुटिंग द एक्स इज इक्वल टू टू इन द गिवन पॉलिनोमियल एफ एक्स, यानी एफ ऑफ टू निकालेंगे, एफ ऑफ टू मीन्स टू, सॉरी टू नहीं, हाँ टू का क्यूब एक्स की जगह रख दिया, प्लस थ्री इंटू टू का स्क्वायर माइनस के इंटू टू, ठीक है, प्लस फोर, सही है। ये जो कुछ भी आएगा पूरा सॉल्व होने के बाद, यानी दिस शुड बी इक्वल टू, जैसे हर बार हम लोग सॉल्व करते थे तो जो आता था वो रिमाइंडर होता था, यहाँ पे इन्होंने कहा रिमाइंडर इज के, ऑलरेडी गिवन दिस इज के, तो हम इसको पूरा सॉल्व ना करने के बजाय इसको ऐसे के बराबर रख देंगे, इसी एफ टू को हम बोलते हैं रिमाइंडर, और यहाँ पे हमने वैल्यू रिप्लेस कर दी इसकी के, ठीक है, क्योंकि इस बार क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है द रिमाइंडर इज के, यानी पूरा सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो यही है के, यानी इसके बराबर है, ठीक है। और हमें यहाँ से के की वैल्यू निकालनी है, यानी पूरी एक इक्वेशन फॉर्म हो गई, इस इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ के अननोन है, बाकी सब नोन वैल्यूज हैं, इसे हमें सॉल्व करके के की वैल्यू निकाल के देनी है। चलिए करते हैं इसको, ये हो गया एट प्लस ट्वेल्व माइनस टू के प्लस फोर इज इक्वल टू के, ठीक है। इसे थोड़ा और फर्दर सॉल्व करेंगे, 24 माइनस टू के इज इक्वल टू के हो जाएगा, यहाँ से के की वैल्यू निकालते हैं, इस टू के इधर ले, नहीं इस टू के इधर ले तो 3 के हो जाएगा, 3 के इज इक्वल टू 24, के इज इक्वल टू 8, गॉट इट। रुद्राक्षी आ गया? बेटा क्या हुआ इस क्वेश्चन में, रिमाइंडर की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी के, तो यहाँ पे रखने के बाद हमेशा इसको हम उसके बराबर कर देंगे, रिमाइंडर के बराबर इक्वेट कर दिया रिमाइंडर से, ठीक है। चलिए अब आते हैं फैक्टर थ्योरम पे,
अब इसके बाद का जो टॉपिक है वो हमारा है फैक्टर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम क्लियर हो गई कि रखने पर जो भी मिलता है वो रिमाइंडर होता है, दैट्स इट। अब आते हैं फैक्टर थ्योरम पे, बहुत आसान है, उसी से मिलता जुलता है। अगर अगर इसी एक क्वेश्चन है हमारे पास, सपोज दैट 2x² - 11x + 5 इज डिवाइडेड बाई x - 5, इससे इसको डिवाइड करते हैं। देखो डिवाइड करने पे क्या आता है, हम आपको जल्दी से करके दिखा रहे हैं। यहाँ से आएगा x = 5, इसको 0 के बराबर रखने पर, यहाँ पे 5 रखेंगे, 2 और 5 का स्क्वायर माइनस 11 और 5 प्लस 5, ठीक। इसको आप सॉल्व करेंगे आंसर 0 आएगा, ठीक है। यानी कि रिमाइंडर इज 0, यानी कि रिमाइंडर इज 0, रखने पर क्या आता है, रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर क्या आया 0, 2 से हमने 8 को डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आया 0, रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा, 2 4 8 कैंसिल, ठीक। अगर कभी रिमाइंडर 0 आ जाता है देन ये इसका फैक्टर होता है, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8। सिमिलरली इसको रखने पर रिमाइंडर 0 आता है, इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है, देन एक्स माइनस 5 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, देन वी कैन से एक्स माइनस 5 इज अ फैक्टर ऑफ 2x² - 11x + 5। इज इट ओके और नॉट? वेरी गुड। नाउ अगर कभी आपसे प्रूफ करने कहा जाएगा, प्रूफ दैट दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस, अभी क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं थोड़ा, कहा गया है शो दैट, अब आपको बताने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन आया हमारे पास, उसमें कहा जाएगा आपसे शो दैट या प्रूफ दैट 2x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, प्रूव दैट 2x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्या इसको प्रूफ करना है, फैक्टर प्रूफ करना है, तो सिंपली हम इसको वैसे ही डिवाइड करेंगे रिमाइंडर थ्योरम की तरीके से, और रिमाइंडर की जगह अगर 0 आ जाता है देन वी कैन से दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस बाई फैक्टर थ्योरम। इसी इसका नाम है फैक्टर थ्योरम, कि अगर रिमाइंडर 0 आता है, इफ रिमाइंडर इज 0 देन जिससे हमने डिवाइड किया, डिविजर ये वाला इस डिविडेंड का फैक्टर होगा, ठीक। सिंपल, क्लियर हो गया बेटा? चलिए क्वेश्चन दे रहा आप लोग खुद अपनी कॉपी में करके दिखाइए। शो दैट x + 2, 3x + 1 बोथ आर फैक्टर्स ऑफ 6x³ + 11x² - 3x - 2। प्रूफ करिए इसको, देखते हैं बेटा इसके आगे क्या है। देखिएगा एक क्वेश्चन देते हैं आपको, कहा गया है शो दैट x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है, x³ - 7x² + 14x - 8, ठीक है। क्या प्रूफ करना है बेटा, ये इसका फैक्टर है, शो दैट दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस, एंड उसके आगे लिखा हेंस, जहां भी हेंस आ जाएगा आप अलर्ट हो जाएंगे, हेंस कंप्लीटली फैक्टराइज दिस इज द क्वेश्चन। क्या करना है पहले पार्ट में, शो दैट दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस एंड हेंस फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल। तो इसको पहले तो हमें प्रूफ करना कि इसका फैक्टर है,
तो फैक्टर है अगर, तो x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो से x इज इक्वल टू वन, ये वन पुट कर दे, देखते हैं, वन का क्यूब माइनस सेवन एक्स की जगह वन स्क्वायर प्लस 14 एक्स की जगह पे वन माइनस एट, इसको पूरा सॉल्व कर लिया हमने, आंसर जीरो आ गया, हेंस दिस इज अ फैक्टर। फैक्टर तो हो गया इसका, लेकिन अब इसको फैक्टराइज कैसे करें, दिस इज द मेन मेन टॉपिक, ठीक है, इसे फैक्टराइज कैसे करते हैं देखिएगा बहुत ध्यान से। तो फैक्टराइज करने के लिए हमने एक बार प्रूफ कर दिया दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस, ठीक है, अगर फैक्टर है तो एक काम करते हैं हम इससे इसको डिवाइड कर देते हैं, कैसे, एक्स माइनस वन से एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स माइनस एट, इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, इसको डिवाइड करने पर क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस, ये बचता है माइनस का 6x² प्लस 14x, है ना, और माइनस 8, ये बचता है बस, माइनस 6x से कर देंगे तो माइनस 6x² आ जाएगा, प्लस 6x आ जाएगा, साइन चेंज कर देंगे ये कैंसिल हो जाएगा, 8x बचेगा, माइनस 8 ऊपर से बचा, प्लस 8 कर देंगे तो 8x हो गया माइनस 8, रिमाइंडर 0, ठीक है, रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली क्या है, ये इसका फैक्टर है, चलिए फैक्टर भी प्रूफ हो गया, रिमाइंडर भी 0 आ गया, लेकिन हमें फैक्टर पहले ही तरीके से प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, हमने ये इसलिए प्रोसेस किया कि हमें दूसरा फैक्टर निकल जाए, सपोज दैट 2 से हमने 8 को डिवाइड किया था, 2 4 जा 8 आया था, कट गया था, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8 एज वेल एज 4 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 8, 8 के दो फैक्टर हैं, 2 भी है और 4 भी है, ठीक है, दैट मीन्स दिस शुड बी इक्वल टू दिस इंटू दिस, ओके, नाउ कम टू द पॉइंट, अब क्या हुआ, वी कैन राइट इट एज एक्स क्यूब माइनस 7x² प्लस 14x माइनस 8 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एंड x² माइनस 6x प्लस 8, इज इट क्लियर रुद्राक्षी, है ना, अगर डिवाइड करने पर फैक्टर रिमाइंडर 0 आता है तो दोनों उसके फैक्टर होते हैं, ऐसे लिख देते हैं इसे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हमें इसी को तो फैक्टराइज करना था, है ना, कहा गया था फैक्टराइज दिस कम्प्लीटली, तो उसके दो फैक्टर तो हमने निकाल लिए, लेकिन अभी ये वाला जो टर्म है ये फर्दर फिर से फैक्टराइज हो सकता है, ये फर्दर फिर से फैक्टराइज हो सकता है, तो हमारा अभी काम यहाँ पे रुका नहीं है, ठीक है, हम अब क्या करेंगे, x² माइनस 6x प्लस 8 को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरीके से सॉल्व करेंगे और इसको अलग से रफ में सॉल्व कर लेते हैं, मतलब नेक्स्ट स्टेप में इसको इक्वेशन 1 बना के छोड़ देते हैं, x² माइनस 6x प्लस 8 के फर्दर फैक्टराइज करेंगे इसको, हम आएगा x, इसमें हम रख दें x² माइनस 2x माइनस 4x प्लस 8, ठीक है, 2 और 4 इसके फैक्टर कर लिए थे, तो ये आता है सॉल्व होने के बाद, यहाँ पे लिख रहे हैं, जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे लिख लेंगे छोटा सा, x माइनस 2 माइनस 4 x माइनस 2, x माइनस 2 एक फैक्टर हो गया, x माइनस 4 एक फैक्टर हो गया, है ना, हमने इसको फैक्टराइज कर लिया, और अब यहाँ पे पुटअप कर देंगे, x माइनस 1 दिस इज इक्वल टू, ये है, इससे कोई मतलब नहीं, ये अलग से हमने रफ में किया है, x माइनस 1 और इसकी जगह रखेंगे x माइनस 2 एंड x माइनस 4, हमने क्या किया, इस वाले को कम्प्लीटली फैक्टराइज कर लिया ऐसे, ठीक है, यहाँ पे पावर 3 थी, ध्यान देखना यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसलिए यहाँ पे 3 फैक्टर आए, 1, 2 एंड 3, ठीक है, इस तरीके से हमेशा करना होगा आपको, ये क्वेश्चन समझ आ गया, पक्का, चलिए अब इसी का एक और एडवांस वर्जन है जिसमें सीधे आपसे कहा जाएगा, सपोज दैट मैं यही क्वेश्चन लेता हूँ आपको, यही वाला क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन चलो चेंज कर देते हैं, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें एक फैक्टर दे दिया जाएगा, कहा जाएगा हेंस फैक्टराइज, तो पहले डिवाइड करके दूसरा पॉलिनोमियल निकालेंगे क्वाड्रेटिक वाला, क्वाड्रेटिक के फिर से दो फैक्टर निकालेंगे, वो हो गया फैक्टराइज पूरा। देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, इसमें कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमें और करना है, ठीक है, जिसमें से कहा गया है फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं,
एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस टू, ठीक है, आर फैक्टर्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सिक्स। ये दोनों इसके फैक्टर हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, फाइंड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए और बी की हमें वैल्यूज, ये जो ए और ये जो बी हैं इनकी हमें वैल्यूज बतानी है। उसके बाद कहा गया फैक्टराइज कंप्लीटली, फैक्टराइज कंप्लीटली, यानी ये जो आएगा ए और बी की वैल्यू रखने पर नया पॉलिनोमियल, ठीक है, हमें उसे पूरी तरीके से फैक्टराइज भी करना है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, रिमाइंडर जीरो आएगा तो यहाँ पे लिखेंगे एट एक्स इज इक्वल टू प्लस, सॉरी उधर जाएगा तो ये माइनस वन हो जाएगा। इसको इक्वल के बराबर जीरो रखेंगे, जैसे एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा यहाँ से, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करने पर क्या होगा, एक्स की जगह पे माइनस वन रख रहे हैं हम डायरेक्टली, आप देखिएगा ए एक्स की जगह सिर्फ माइनस वन पुट किया, माइनस बी माइनस वन माइनस सिक्स, यहाँ पे जो आता है इक्वल, इसको इक्वल लगाने पर, इसकी वैल्यू रखने पर ये जो रिमाइंडर आता है यहाँ, क्योंकि ये फैक्टर है तो इसका रिमाइंडर आएगा नहीं, रिमाइंडर जीरो हो जाएगा क्योंकि दिस इज अ फैक्टर। अगर कुछ रिमाइंडर आता तो यहाँ रिमाइंडर दिया जाता क्वेश्चन में, यहाँ रिमाइंडर की वैल्यू रख देते। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस वन का क्यूब हो गया माइनस, ठीक है, ये हो गया प्लस ए, क्योंकि माइनस वन का स्क्वायर ए हो गया, प्लस बी हो गया, माइनस सिक्स हो गया इज इक्वल टू जीरो। तो इट इम्प्लाइज यहाँ से आएगा हमारे पास ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सिक्स माइनस वन माइनस सेवन, उधर गया प्लस का सेवन, इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। सिमिलरली एट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू था, उधर गया प्लस टू हो गया, यहाँ पे प्लस टू रखेंगे तो टू का क्यूब प्लस ए टू स्क्वायर माइनस बी इंटू टू माइनस सिक्स शुड बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि दिस इज ऑल्सो फैक्टर, फैक्टर है तो रिमाइंडर जीरो होगा इसका, ठीक है। इसके बाद यहाँ से क्या आएगा, सॉल्व होने के बाद यह आ जाएगा फोर टू टू फोर टू एट प्लस फोर ए माइनस टू बी माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। इसके बाद का स्टेप यहाँ पे लिख रहा हूँ, फोर ए, अच्छा एट और माइनस सिक्स आंसर प्लस टू आएगा, उधर जाएगा तो ये माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। तो फोर ए माइनस टू बी इज इक्वल टू माइनस टू, इक्वेशन नंबर टू। वन और टू को सॉल्व करके हम ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम फ्रॉम वन एंड टू, इक्वेशन वन और टू को सॉल्व करने के बाद ए की वैल्यू आती है टू और बी की वैल्यू आएगी फाइव, ठीक। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, ए और बी की। तो अब जो एक्सप्रेशन आएगा हमारा वो कुछ ऐसा आएगा, ए की वैल्यू टू बी की वैल्यू फाइव, याद रखेंगे टू और फाइव आई थी, तो नाउ एक्सप्रेशन विल बिकम एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स, है ना, टू और फाइव आई थी ए और बी की वैल्यू, ये आया एक्सप्रेशन। इससे हमें कम्प्लीटली क्या करना है, सॉल्व करना है, फैक्टराइज करना है। एक बात और है, ये दो फैक्टर हमें गिवन है, हम किसी भी एक फैक्टर से, क्योंकि फैक्टर तो डिवाइड कर देते हैं इसको, ठीक है, डिवाइड करने पर क्या होगा, इसको ऐसे डिवाइड कर दें, एक्स प्लस वन से डिवाइड कर दें, चलो किसी से भी आप कर सकते हो, ठीक, मैंने एक्स प्लस वन से कर दिया। यहाँ क्या आएगा, एक्स क्यूब है तो एक्स स्क्वायर से आया, तो एक्स क्यूब हो गया प्लस एक्स स्क्वायर आया, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ये माइनस था तभी कटा था, तो ये एक्स स्क्वायर बचा, माइनस फाइव एक्स बचा, माइनस सिक्स बचा, प्लस का एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस एक्स आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का फाइव सिक्स एक्स ऐड हो जाएंगे और माइनस सिक्स, अब क्या माइनस सिक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस सिक्स एक्स माइनस सिक्स आ जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, यानी हमारा ये फैक्टर बचा। तो ये दो, इसका मतलब इसे वही हो गया, टू को हम एट से डिवाइड करें, टू फोर ज़ा एट, ये कैंसिल हो जाता है रिमाइंडर इसका, ठीक है। तो एट कैन बी रिटन एज टू इंटू फोर, टू इंटू या फोर या फोर इंटू टू, मतलब ये भी इसका फैक्टर है और ये भी इसका फैक्टर है, तो ये इसका फैक्टर तो है ही। सिमिलरली ये जो स्टेटमेंट आया ये भी इसका एक फैक्टर है। नाउ दिस कैन बी रिटन एज इन दिस वे,
थोड़ा सा समझ लेंगे, आप समझ लेंगे क्या करना है इसमें। नाउ इसका एक फैक्टर ये था और एक फैक्टर था x प्लस वन, बिल्कुल हमने इसको वैसे ही लिख दिया, 8 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 फॉर्म, है ना, या डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इंटू डिवाइजर व्हेन रिमाइंडर इज जीरो। ठीक है, ये आ गया हमारा क्वेश्चन। तो अब हमें ये तो मालूम है फैक्टर, हमें इसको कम्प्लीटली फैक्टराइज करना था। अब हमें इसके, ये क्योंकि क्वाड्रेटिक बन गया, इसको फिर से फर्दर फैक्टराइज करेंगे, 6 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करने पर 1 आ जाए, है ना। 6 के ऐसे फैक्टर कौन से हो सकते हैं, 3 टू 6 होता है और 3 माइनस 2 1 होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 ये हो गया, और ये x प्लस 1 एज इट इज लिखा रहा। नाउ देखते हैं, यहाँ से x कॉमन है x प्लस 3 हो गया, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन है x प्लस 3 हो गया, और x प्लस 1 एज इट इज। ठीक है, अब क्या करेंगे, x प्लस 3 एक ब्रैकेट में और x माइनस 2 दूसरे ब्रैकेट में, और ये x प्लस 1, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट इसका फैक्टराइजेशन हो गया। दो फैक्टर आपके ये और ये क्वेश्चन में गिवन थे, देखो ध्यान से, तीसरा फैक्टर और मिल गया हमें। ठीक है, तो हमारे ये क्योंकि यहाँ क्यूबिक पॉलिनॉमियल जितनी पावर होती है उतने फैक्टर आना चाहिए, है ना, 3 फैक्टर आ गए हमारे पास क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल है। अगर ये पावर 4 होती तो यहाँ ऐसे 4 ब्रैकेट आते हैं, ठीक है, पावर 5 होती तो यहाँ 5 ब्रैकेट्स आते हैं, पावर 2 होती है जैसे यहाँ पावर 2 देखो है ना इस पॉलिनॉमियल की, तो 2 ब्रैकेट आए थे हमें ये और ये। ठीक, तो हमने ये क्वेश्चन पूरा हमारा सॉल्व हो गया। अब आते हैं नए क्वेश्चन पे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट है, उसमें सब कुछ कवर हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया, इफ 2x क्यूब, क्वेश्चन है, इफ 2x क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 2 हैज अ फैक्टर, हैज अ फैक्टर x प्लस 2 एंड लीव्स रिमाइंडर 7 and leaves remainder 7 when divided by 2x minus 3 comma find a comma b and find a and b factorize completely, ये क्वेश्चन है। क्या करना है हमें, ये एक एक्सप्रेशन है, इसका एक फैक्टर है x प्लस 2 एंड लीव्स रिमाइंडर 7, 7 उसका रिमाइंडर आता कब, व्हेन डिवाइडेड बाय दिस, यानी इसको इससे डिवाइड कर दो तो 7 रिमाइंडर आता है, जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा, ये हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, ए और बी की वैल्यू निकालनी, यानी ये और बी, अभी हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया इससे पहले। ठीक है, देखते हैं क्या आता है इसमें, ये इसका एक फैक्टर है और अगर फैक्टर है तो हम लिखेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू माइनस 2, एट x इज इक्वल टू माइनस 2 पुट करने पर 2 आएगा, माइनस 2 का क्यूब होगा प्लस a माइनस 2 का स्क्वायर हो गया प्लस b माइनस 2 हो गया माइनस 2, क्योंकि इसका रिमाइंडर नहीं आएगा क्योंकि इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होगा, 0, इसलिए 0 लिख दिया। ठीक, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, ये होगा 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 माइनस 8 टू ज़ा 16 माइनस का 4a, नहीं प्लस का 4a है क्योंकि ये प्लस 4 होगा, माइनस 2b और माइनस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस 2 माइनस 16 विल बिकम माइनस 18, और ये जो माइनस 18 यहाँ से आया इसको हम इक्वल के उधर कर देंगे तो ये इधर 18 हो जाएगा, है ना, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है,
मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होगी होगी आपको, बोले सही है। ठीक है, अब आते हैं सेम ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन पे, दूसरे स्टेटमेंट पे, जब इससे इसको डिवाइड करते हैं। ठीक, एट 2x-3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3/2। तो अब क्या करेंगे, 2 3/2 का होल क्यूब प्लस a, है ना, माइनस टू उसकी जगह 3/2 स्क्वायर प्लस बी 3/2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट अप कर रहे हैं, इसी में वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है, 3 3 9 27 बाई, है ना, 2 2 4 2 8 एक इनपुट कट जाएगा 4 बचेगा, प्लस 9a/4 प्लस 3b/2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये और ये, है ना, सॉल्व हो जाएंगे। तो हम एक काम करें, उसका होल एलसीएम ले लें। ठीक है, होल एलसीएम हमने ले लिया 4 इज द होल एलसीएम, 9a प्लस 3 2 से 2 2 4 2 3 6 बी माइनस 4 2 8 इज इक्वल टू 0। 4 से इसका मल्टीप्लाई होने के बाद ये 0 हो जाएगा इटसेल्फ। अगले स्टेप में मैं इसको यहीं से हटा देता हूँ और 0 लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 0। ठीक, अब 27 और माइनस 8 है, 27 में से हम 8 को माइनस करेंगे। ठीक है, क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा 9a प्लस 6b, 27 माइनस 8 को माइनस करेंगे 19 बचेगा, इज इक्वल टू माइनस 19। ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी हमारी, बोलिए सही है। तो 9a 6b और 19 आया। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, कोई यहाँ मैं चेक करता हूँ, मुझे देखने दीजिए। अच्छा हाँ, यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं था, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, इस पॉइंट पे चेक करिए जरा, यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है, यहाँ पे रिमाइंडर है 7, है ना, क्योंकि लीव्स रिमाइंडर 7। जब इसका रिमाइंडर 0 रिमाइंडर 7 आएगा तो यहाँ पे रिमाइंडर 7 की वैल्यू रखेंगे ऐसे, तो ये 7 हमारा यहाँ ऐसे आ जाएगा। हमने क्या किया, इसमें फिर से वैल्यू वैसे ही पुटअप की, x की जगह 3/2 वैल्यू पुट कर दी, ये ऐसे आ गया, ये पूरा स्टेटमेंट हमारा 7 के बराबर हो गया। इसको सिंप्लीफाई करके हम यहाँ तक ले आए हैं। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद ऐसे समझिए आप, फिर से समझते हैं। ठीक है, नाउ, है ना, अब की हम क्या करें, इससे इसको डिवाइड कर रहे हैं और 7 रिमाइंडर आ रहा है, तो जो डिवाइड करते हैं लिखेंगे एट 2x-3 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 3/2। अब की ये वैल्यू पुट अप करेंगे x की जगह 2 इस वाले स्टेटमेंट में, x की जगह 3/2 का होल क्यूब प्लस a x की जगह 3/2 प्लस b x की जगह 3/2, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, माइनस 2 इज इक्वल टू, रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ रहा है, रिमाइंडर 7 आ रहा है, क्वेश्चन में कहा गया रिमाइंडर 7, तो 7 के बराबर इक्वेट कर देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये आएगा 27/4 प्लस 9a/4, 9a है, प्लस 3b/2 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। ठीक है, 4 इज द एलसीएम, 27 प्लस 9a प्लस 6b, 2 4 2 4 2 है ना 2 3 6 माइनस, है ना, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 2 4 8 हो गया इज इक्वल टू 7। ठीक, तो ये 4 7 28 हो गया, यहाँ पे जाकर के इसे 28 कर देगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये 28 हो गया, 4 हट गया यहाँ से। अगला स्टेटमेंट हमारे पास ये सामने है, ये 27 और माइनस 8 उधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 9a प्लस 6b इज इक्वल टू 28 माइनस 27 प्लस 8, इसकी वैल्यू आ गई हमारी 1, और 1 प्लस 8 9 हो गया। ठीक है, तो 9a प्लस 6b इज इक्वल टू 9, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन गया। ठीक है, अब हम 1 और 2 को सॉल्व कर डालेंगे। ठीक है,
इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को हम सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो आप सॉल्व करिएगा, निकाल लीजिएगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू, ए इज इक्वल टू टू एंड बी इज इक्वल टू फाइव। ठीक है, नहीं नहीं गलत है थोड़ा, ए की वैल्यू आएगी थ्री और बी की वैल्यू आएगी माइनस थ्री। वो दूसरे क्वेश्चन में आएगी, ए की वैल्यू थ्री और बी की वैल्यू माइनस थ्री आएगी। अब हम वैल्यू पुटअप करेंगे कहाँ पे, इसमें। तो हमने पहला काम तो कर लिया, ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया कि ए और बी की वैल्यू निकाल ली। अभी क्या करना हमें, फैक्टराइज कम्प्लीटली, यानी इसी एक्सप्रेशन को फिर से हमें पूरा फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो एक पार्ट हमारा कम्प्लीट हो गया, देखते हैं सेकेंड पार्ट में क्या करना है, कैसे करते हैं। ठीक है, ए और बी, ए की वैल्यू थ्री और माइनस थ्री याद रखिएगा। तो अब जो हमारा एक्सप्रेशन बचा वो बचा टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स, ए की वैल्यू थ्री थी और बी की वैल्यू माइनस थ्री थी, इसलिए माइनस थ्री एक्स माइनस टू ये आया। इसे क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ये ऑलरेडी इसका एक फैक्टर है, अगर फैक्टर है तो इससे इसको जरा हम डिवाइड कर दें। ठीक है, डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर क्या आएगा, इसको चेक करते हैं ज़रा। यहाँ पर टू एक्स क्यूब है, यहाँ पर हमें इसे लाना है, तो इधर x इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, टू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो जब टू एक्स स्क्वायर करोगे तो ये टू एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस टू टू ज़ा फोर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू। ठीक है, अब माइनस के हम एक्स स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस टू एक्स आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा माइनस थ्री प्लस टू माइनस एक्स माइनस टू। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये माइनस एक्स माइनस टू आ जाएगा, ये टर्मिनेट हो गया, मतलब हमारा ये आ गया। फिर से भाई क्या, दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस पॉलीनोमियल, तो इसी बात को हम लिख लेंगे अगले स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिखते हैं ऐसे, टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू इज इक्वल टू एक्स प्लस टू एंड टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन। ठीक, यहाँ तक तो बात हमारी यहाँ सॉल्व हो गया, दो फैक्टर हमारे आ गए, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसमें तीन फैक्टर होने चाहिए, अभी दो ही आए हमारे पास। तो ये जो क्वाड्रेटिक वाला एक फैक्टर है, ये वाला, इसके फिर से फर्दर हम फैक्टराइजेशन करेंगे। वन इंटू टू, टू के ऐसे फैक्टर को माइनस करने पर वन हो, तो टू और वन ही होते हैं इटसेल्फ, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस टू, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स, है ना, माइनस वन, तो ये हो जाएगा टू एक्स कॉमन, यहाँ से बचेगा एक्स माइनस वन, यहाँ से प्लस का वन कॉमन, एक्स माइनस वन ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू ऐसे, तो एक्स माइनस वन एक ब्रैकेट, टू एक्स प्लस वन दूसरा ब्रैकेट। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, हमने इसको फैक्टराइज कर दिया कम्प्लीटली। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम। और अब इसके बाद कोई भी ऐसे क्वेश्चन नहीं बचेंगे जो आप ना सॉल्व कर पाएँ, आपने सारे क्वेश्चन सारे टाइप के क्वेश्चन लगा लिए हैं, कुछ भी बचता नहीं है। हाँ, अब आपको एक काम करना है, आपको होमवर्क में पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, सारे एग्जाम्पल्स सॉल्व करने हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा हमसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब बटन पर जाकर के सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको नए नए वीडियोस की लिस्ट जल्दी जल्दी मिलती रहे।